What's up guys, this is Sharjeel and welcome back to another video. So guys, September 8th and 2017 मैंने आज वीडियो देखा डॉक्टर अमर लियाकत और वकार जका का. मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं और उनको सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने फैसला किया और इतनी हिम्मत की कि वो बर्मा जाने की और वहां पे मुसलमानों की रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करने के लिए. अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत कामयाब करे, आपको हिम्मत दे. और जितने भी आप लोगों को गालियां देते थे कि ये फेक हैं और तुमने ये फैसला करके अमर लियाकत ने और वकार जका ने इन सब के मुंह पर थप्पड़ मारा है, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप लोग कामयाब हो, मुसलमानों की मदद करो, रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करो. और ये जो सोशल मीडिया पर जिहाद किया जा रहा है कि डीपीएस चेंज की जा रही है, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, ये मदद नहीं है. आप लोगों को बर्मा से प्यार नहीं है. जिनको बर्मा से प्यार है वो पहुंच गए हैं वहां पे, डॉक्टर अमर लियाकत और वकार जका. बाकी एआरवाई न्यूज की टीम, इकरार हसन की पूरी टीम भी बर्मा में पहुंच चुकी है. तो इंशाल्लाह हम आपकी टीम, वकार जका, अमर लियाकत, ये सब कामयाब होंगे और मुसलमानों की मदद करें. और वो वहां पे पहुंच रहे हैं और आप उनकी ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं. फाइनली आमिर भाई साथ चल रहे हैं. काफी सारे लोगों का ख्याल था शायद आमिर लियाकत जो है नहीं आएंगे. मैंने कहा यार मैंने बात की है, मुझे लग रहा आएंगे. सारे काम वाम छोड़ के आमिर भाई आप जा रहे हैं? बिल्कुल, हम जा रहे हैं और वकार भाई साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग अरकान सूबे में भी जाएंगे. और अभी तो लंबा सफर है, अभी तो हम जा रहे हैं पहले थाईलैंड, वहाँ पे हमारा ट्रांजिट है, उधर से फिर हम यंगून जाएंगे, उसके बाद वकार भाई रहनुमाई करेंगे क्योंकि ये पहले जा चुके हैं और फिर हम आगे. और उसमें मुझे सिर्फ एक मसला नजर ये आ रहा है आमिर भाई कि क्योंकि वो इमिग्रेशन पे सारी पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है तो शायद मेरा वहाँ पर जाना नामुमकिन हो, तो आप फिर आगे निकल जाइएगा. ये मेरे साथ चलेंगे लेकिन अगर उन्होंने मुझे रोक लिया. अरे आप मेरे साथ चल रहे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा. साथ चलेंगे और आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे. मजलूम मुसलमानों की पुकार, एआरवाई न्यूज की टीम बर्मा पहुंच गई. दुनिया को जुल्म सितम की दास्तान सुनाने इकरारुल हसन पहुंचे हैं. इकरारुल हसन ने 72 घंटे का तवील और दुश्वार सफर तय किया. इंसानियत को सुलूक और जुल्म सितम का आंखों देखा हाल, कई घंटों तक पैदल चलकर अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे इकरारुल हसन. हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जानते हैं मजीद की उन्होंने वहाँ पर क्या सूरत हाल देखी. जी इकरार, पी के इस शहर से जो कि बिल्कुल राखाइन के करीब बाकी है, यहाँ से हमने मुख्तलिफ ऑप्शन पर पहुंच गया कि किस तरह से हाइन स्टेट के अंदर दाखिल होते हैं, खैर उसके बाद आगे का रास्ता और आगे का लाहे अमल का इंतखाब किया जाएगा. लेकिन तमाम तो कोशिशों के बावजूद हमने बसों के जरिए, हमने मुख्तलिफ प्राइवेट टैक्सी के जरिए हर तरह से कोशिश की, लेकिन इस वक्त म्यांमार की मिलिट्री यानी बर्मा की आर्मी और बर्मा की पुलिस और तमाम इदारे इस बात पर मुकम्मल तौर पर कोशिश लगे हुए हैं कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी टूरिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी तरह से राखाइन स्टेट के अंदर दाखिल ना हुआ. और जो हकाइक छुपाने की कोशिश की जा रही है वो यकीन पूरा पाकिस्तान भी जानता है और पूरी दुनिया के इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी है. जो बज़ाहिर रास्ते थे वो हमारे सामने अब खत्म हो गए हैं. यहाँ से पी से हम राखाइन स्टेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते. तमाम तर कोशिशें हमने कर देखी हैं, उसकी तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों से मुलाकात की, क्या क्या कोशिश की. अब हमारा अगला लहे अमल क्या है, खैर ये सब बताना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे कि हम राखाइन स्टेट के अंदर उन इलाकों तक चले जाएँ जहाँ ये तमाम तर शोरश बरपा है, जहाँ मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जहाँ बस्तियाँ जलाई गई हैं, किसकी जानिब से जलाई गई हैं, किसकी तरफ से लोगों को मारा गया है, तमाम हकायक इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे. हमारी कोशिश जारी है, हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है, लेकिन अभी मजीद सफ़र और मुश्किल सफ़र बाकी है. और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन जो यहाँ चल रही है इसकी बात कर रहा हूँ, इसको जितना शेयर कर रहे हैं उतना ज़्यादा जो इससे $200-300 का रेवेन्यू होगा वो भी कंट्रीब्यूशन होगा बर्मा के लोगों के लिए. लास्ट टाइम जिस फैमिली को, एक अम्मा जी थी, उनको मैंने सिटवे से लेकर जो है यंगॉन आया था और यंगॉन से लेकर फिर उनको बैंकॉक तक पहुँचाया था बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के. अब्दुल वहीद, आई विल डोनेट, हाउ टू, नहीं अभी डोनेशन नहीं देनी चाहिए ना, अभी डोनेशन नहीं चाहिए भाई. जब पहुँचूंगा तो मेरा, जब पहुँच जाएंगे तो wakarzaka.net पे जाइए, वहाँ डोनेशन देने के लिए सारा तरीका दिया हुआ है. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितना ट्रांसमिशन शेयर कर सकते हैं करें. और जो हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं या एंकर्स कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे, तो आपके पास तो प्रेस पास है ना यार, प्रेस वीज़ा है आपके पास, आप तो जा सकते हैं. लेकिन जाने के बाद वहाँ से फैमिली भी तो निकालो ना, कोई वीडियो बनाने से भाई काम नहीं होगा. सिर्फ अब जो फैमिली सिटवे में रोहिंग्या मुसलमान फंसा है उसको निकालना है,
एजेंट को पैसे खिलाने, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, तो पासपोर्ट नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, और उसके बाद उनको आपको निकालकर बैंकॉक लेकर आना है या बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं ले जा सकते क्योंकि बंगाली लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। जब आप वहां जाते हैं वो कहते हैं चलो भाई वापस, बैंकॉक वाले फिर भी, थाईलैंड वाले फिर भी बात सुन लेते हैं कि हाँ यार चलो इनको जरूरत है, हम इनको नौकरी दे देते हैं होटल में, इनको हम कहीं कुछ और दे देते हैं। सर मैं कह रहा हूँ एक 1700 लोग देख रहे हैं, 1700 शेयर होने चाहिए इसके। मैं उबैद कह रहे हैं आई कैन प्रोवाइड यू विद ऑल द डोनेशन यू नीड, लेट मी, उबैद भाई डोनेशन का क्या करूंगा मैं, दुआ अभी सिर्फ दुआ ये चाहिए कि मेरी जो एजेंट है वो ले जा सके मुझे। देखें झूठ बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूं कि मैं जा रहा हूं और मैं नहीं पहुंच सका तो आप कहेंगे भाई बहुत बड़ा है। सो गाइस आपने देखा कि बर्मा तक वो कैसे पहुंचा जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कैसे कैसे काम किया जा रहा है। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग देखें कि बर्मा में क्या हो रहा है, कैसे वहां पे पहुंच रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें नीचे। तो गाइस फीस, अस्सलाम वालेकुम।